दोस्तों नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉफिट अप मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इसमें फर्स्ट टाइम लॉगिन किया जाता है, एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाए तो उसको अनब्लॉक किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर जाना है और प्रॉफिट अप एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना है। इसके बाद वैलिडेट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 5 पिक्चर्स दिखाई देंगे, तो आपको जो भी पिक्चर्स इसमें से पसंद हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं ये फ्लावर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। जो पासवर्ड आपको फर्स्ट टाइम आपके इनबॉक्स में आएगा उस पासवर्ड को आपको डालना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आया होगा आपके नंबर पर। इसके बाद वैलिडेट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको याद रहे उस तरह का आपको यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सब में 1 सेलेक्ट करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट आंसर में क्लिक करना है। क्वेश्चन आंसर सेट सक्सेसफुली, क्वेश्चन आंसर सक्सेसफुली हो गया है आपका, फिर से आपका बैक आ जाएगा। इसके बाद फिर से आपको अपना वैलिडेट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड सबसे पहले आया होगा। इसके बाद आपको वैलिडेट में क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, आपने जो पासवर्ड डाल रखा था वही पासवर्ड डालेंगे। मैंने 1 डाल रखा था तो मैं 1 डाल रहा हूँ। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपने आपके पास जो पासवर्ड आया था पुराना वाला मोबाइल नंबर पे, उसको यहाँ पे डालना है एग्जिट पासवर्ड में। इसके बाद नया पासवर्ड बनाना है वो डालना है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, पासवर्ड विल बी एक्सपायर इन 14 डेज, मतलब 14 दिन के बाद आपका पासवर्ड फिर से एक्सपायर हो जाएगा और आपको नया बनाना पड़ेगा। इसके बाद ओके में क्लिक करना है तो आपका ये ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अगर आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है तो सिंपल सा आप फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना मेल आईडी और पैन नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपको एक नया पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाएगा। तो उसको दोबारा से आप पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है और आपको इसको दोबारा अनब्लॉक करना है, तो सिंपल सा आपको नीचे आना है, जहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन लिखा है उसके बगल में अनब्लॉक अकाउंट लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका ईमेल आईडी और पैन नंबर आपको डालना है और सबमिट में क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट दोबारा से अनब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप बैक आएंगे, फिर से अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट दोबारा से चालू हो जाएगा। लेकिन जो आपने पासवर्ड पुराना डाला था वही पासवर्ड आपको दोबारा डालना पड़ेगा अनब्लॉक करने के बाद, तभी आपका ये ओपन हो पाएगा अकाउंट। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।